गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर लेसन एट फायर फ्रेंड एंड फोई ओके फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस व्हाट इज फायर हाउ डिड वी डिस्कवर इट हाउ डू वी कंट्रोल इट ओके यानी ये जो आग है लाभदायक और खतरनाक दोनों है आग क्या है हमने इसकी खोज कैसे की हम इस पर कैसे नियंत्रण रखते हैं यह सब बताया है ओके ये सब इस लेसन में बताया गया है अर्ली मैन अर्ली मैन डिडंट नो वॉट फायर वॉज बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज कोड कॉज he must have watched lightning and volcanos long before he began to use fire himself fire was powerful and dangerous and he was frightened fire may have puzzled every man but we now know that fire is the result of chemical reaction when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel a chemical reaction takes place एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस दिस इज वॉट वी कॉल फायर ओके थ्री थिंग्स आर ओके. अभी. नाउ ओकेशन आदिमानव नहीं जानता था कि आग क्या है यानी आदिमानव नहीं जानता था कि आग क्या है लेकिन उसने इसके कारण हुए विनाश को जरूर देखा उसने स्वयं आग का प्रयोग शुरू करने से पहले बिजली और ज्वालामुखी पर्वत जरूर देखे होंगे ओके आग ताकतवर और खतरनाक थी और वह भयभीत था अर्ली मानव जो है है ना? आग आदि मानव का आग जो है अग्नि जो है वो आदि मानव को उसने हैरान कर दिया था लेकिन अब हम जानते हैं कि आग एक रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है ठीक है जब वायु में ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से मिल जाती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है इस प्रक्रिया में ऊर्जा ताप और प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है यह वह है जिसे हम आग कहते हैं ओके थ्री थिंग्स आर नोट नीडेड टू मेक फायर फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट वुड कॉयल कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर दैट इज वाई When you blow on a smoldering paper, it often bursts into the flame. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves. Or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. Okay. Its own to burn a piece of paper or wood.

राइटर दैट आग बनाने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है ठीक है किस किस चीज़ की जरूरत होती है देखिए ईंधन ऑक्सीजन और ताप लकड़ी कोयला खाना पकाने वाली गैस और पेट्रोल ईंधन के उदाहरण हैं ऑक्सीजन हवा से आती है यही कारण है कि जब तुम सुलगते कागज़ को फूंक मारते हो तो प्राय इसमें से ज्वाला निकलने लगती है यानी आग जल जाती है ना ओके आग बनाने में तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है एक और तीसरी चीज देखिए क्या होती है आग बनाने के लिए तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है अब इसमें क्या बताते हैं देखिए लेखक कहते हैं वो तीसरी चीज क्या है ओके वह है ताप वो चीज है वह ताप है ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप नहीं बन सकते ठीक है ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप आग, आग नहीं जला सकते अथवा कोई भी समाचार पत्र अथवा लकड़ी जो खुले पड़े हैं अपने आप नहीं पकड़ते हैं वह एक कागज़ और लकड़ी के टुकड़े में आग पकड़ने से पहले हम इसे गर्म करते हैं सामान्यतया हम ऐसा एक माचिस जलाकर करते हैं ओके हर ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर यह जलना शुरू करते हैं इसे ईंधन का चमक बिंदु अथवा ज्वलन तापमान कहते हैं ओके, नेक्स्ट, इट फायर इज गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज एट इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल फायर इंस्टेंस, वी यूज इट वी It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master, it only means that fire is very useful as long as it is kept under control. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out, the control it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured okay yani in this stanza author says that कभी कभी यह कहा जाता है कि एक अच्छा नौकर कभी कभी यह कहा जाता है कि ये जो आग है एक अच्छा नौकर लेकिन एक बुरा मालिक है इसका केवल एक ही मतलब है बहुत लाभदायक है है ना? इसका यह मतलब है कि आग बहुत लाभदायक है जब तक इसे नियंत्रित रखा जा सकता है ओके उदाहरण के लिए हम इसका प्रयोग खाना पकाने में सर्दियों पर यानी खाना पकाने में सर्दियों में घर गर्म करने के लिए करते हैं और बिजली पैदा करने के लिए करते हैं लेकिन दूसरी ओर यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है ओके okay? बहुत खतरनाक हो सकती है हर साल हजारों घर और दुकानें आग द्वारा क्षतिग्रस्त होते हो जाते हैं जंगलों का विस्तृत भाग नष्ट हो जाता है सैकड़ों लोग मर जाते हैं अथवा घायल हो जाते हैं ओके जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट इन ईच One of the three things needed for burning is taken away. Please turn over. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. Okay. नी इन दिस दैट जिस तरह आग उत्पन्न करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है तीन मुख्य तरीके हैं जिसके द्वारा हम आग बुझा सकते हैं प्रत्येक तरीके में आग जलाने के लिए जरूरी तीन चीज़ों में से एक को निकाल देने से आग बुझ जाती है ओके okay? और उदाहरण के लिए हम ईंधन को निकाल सकते हैं यदि आग में ईंधन नहीं होगा तो जलने की क्रिया शुरू ही नहीं होगी ओके हम प्राय आग बुझाने के लिए इसमें और ईंधन नहीं डालते ओके यानी आग जलाने के लिए हम इसमें और ज्यादा ईंधन नहीं डालते क्योंकि ईंधन होगा तो आग और जलेगी ठीक है और इधर नहीं डालेंगे तो आग मर जाएगी ठीक है बुझ जाएगी द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इट्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद द डैम ब्लैंकेट और ए सेक दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग फायर It does not allow oxygen to reach the burning material. Okay. Next, the third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning match stick or a candle to put it out in doing so you remove the hot air around the flame bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out sometimes water is sprayed on a fire it absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature the blanket of butter also cut कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग ओके यानी इन दिस आग बुझाने के लिए दूसरी विधि ऑक्सीजन को इस तक न पहुंचने देना है ठीक है यानी इस तक मतलब आनी नहीं चाहिए जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने का मतलब आग का न होना है ठीक है आग का न होना है छोटी आग को एक गीले कंबल अथवा एक बोरी से बुझा अथवा दबा सकते हैं ठीक है जो तो छोटी आग है ज़्यादा नहीं है और यह ऑक्सीजन को जलने वाले पदार्थ तक पहुंचाने से रोकता है कभी कभी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ठीक है यह ऑक्सीजन को ज्वलनशील पदार्थ तक नहीं जाने देता आग बुझाने का तीसरा तरीका ताप को हटाना है यदि तापमान को प्रकाश बिंदु से नीचे लाया जाए तो ईंधन जलना बंद कर देता है तो एक माचिस की तेली अथवा एक मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हो ना ऐसा करते हुए ज्वाला के चारों ओर की गर्मी हवा ज्वाला के यानी आग के चारों ओर की जो गर्म हवा है ना उसे हम हटा देते हैं इससे तापमान प्रकाश बिंदु से नीचे आ जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है कभी कभी आग पर पानी छिड़का जाता है यह जलते हुए ईंधन से गर्मी सोख लेता है और तापमान नीचे आ जाता है पानी का कंबल भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और आग बुझ जाती है ओके नेक्स्ट सम फायर्स कैन नॉट बी पुट विथ वाटर इफ वाटर इज स्प्रेड इन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लो टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू वर्न burn this can be very dangerous because water can flow quickly carrying the burning oil with it and spreading the fire water should also not be used on fire caused by electrical appliances the person spraying water might receive an electric shock and be killed a carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight and इलेक्ट्रिकल फायर ओके यानी इन दिस क्या कहते हैं देखिये ऑर्थर जो है वो कहते हैं कि कुछ आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता यदि पानी को तेल में लगी आग पर छिड़क दिया जाए तो तेल पानी के ऊपर नीचे तैरने लगेगा और जलना जारी रहेगा okay we spend millions of rupees each year in fighting fighting fires and we spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out the control on the whole we have learned rather than to control fire and put it to good to use in our एवरी डे लाइफ यानी इन दिस इन दिस स्टेंज़ा पोइट सेज कि कुछ आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता यदि पानी को तेल में लगी आग पर छिड़का जाए तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगेगा और जलना जारी रहेगा यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बहता है और तेल से यानी पानी बहुत तेज़ी से बहता है और तेल से नहीं तेल से नहीं बुझाना चाहिए ठीक है तेज़ी से बहता है और तेल को अपने साथ भी ले जा सकता है और इस तरह आग और फैल जाएगी बिजली के उपकरणों यानी बिजली के जो उपकरण हैं उनके द्वारा लगी आग को भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए पानी छिड़कने वाले व्यक्ति को करंट लग सकता है और मर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला संयंत्र है संयंत्र ही बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा साधन है ओके okay? हम हर वर्ष आग से लड़ने के लिए लाखों रुपए लाखो खर्च करते हैं और हम इससे भी अधिक धन आग लगने से बचाव तथा तो इसके नियंत्रण से बाहर होने वाले बचाव पर व्यय करते हैं टोटल यानी सब मिलाकर हमने आग पर नियंत्रण और इसका प्रतिदिन जीवन में अच्छी तरह से उपयोग करना सीख लिया है ओके यानी आदि मानव से लेकर आज तक इंसान ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है क्या प्रोग्रेस की है कि आग पर नियंत्रण करना सीख लिया है और इसका प्रत्येक जीवन में अच्छी तरह से उपयोग करना सीख लिया है ओके Next stranger long ago there were no firemen. When fire broke out, everybody everybody became a firefighter. People formed human chains, they still do if required and passed buckets of water from a well or a pond to blaze. Okay. Now there are laws about building construction which ensure that spaces left between buildings to reduce the fire risk? Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Bands of fine workers with special equipment known as fire brigades are there. To put out fires, firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. Okay. Please turn over. they are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke any in this stanza in this stanza writer says लेखक कहते हैं कि बहुत पहले आग बुझाने वाले कार्यकर्ता नहीं होते थे जब आग लगती थी तो प्रत्येक व्यक्ति अग्नि योद्धा बन जाता था यानी आग बुझाने वाला बन जाता था लोग एक मानवीय पंक्ति बना लेते थे वे जरूरत पड़ने पर अब भी ऐसा करते हैं और एक कुएँ अथवा तालाब से आग तक पानी की बाल्टियां पहुँचाते हैं पहुँचाते थे अब भवन निर्माण से संबंधित कानून है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आग के खतरे को कम करने के लिए भवनों के बीच में स्थान छोड़ा गया है या नहीं प्रत्येक नए भवन विशेषतया सार्वजनिक स्थान के लिए आग रोकने के नियमों का पालन करना जरूरी है आग से लड़ने वाले कार्यकर्ता जिनके पास विशेष उपकरण हैं जिन्हें फायर ब्रिगेड कहते हैं आग बुझाने के लिए विद्यमान है अग्निशमक अग्निशमक उच्च स्तरीय प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके पास अनेक कौशल होते हैं प्लीज टर्न ओवर प्रत्येक कौशल होते हैं और प्रशिक्षित होते हैं उनके पास अनेक कौशल होते हैं प्रशिक्षित होते हैं वे बिजली आपूर्ति काटते हैं खतरनाक दीवारें गिराते हैं पानी तथा दूसरी सामग्रियों को नियंत्रित करने के लिए छड़कते हैं वे प्राथमिक उपचार में भी प्रशिक्षित होते हैं ताकि वे आग से जले हुए धुएं से प्रभावित लोगों की मदद कर सकें ओके लास्ट स्टेंजर, द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली ओके Adopt a settled mode of life, fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. And in this stanza, writer says, Aake khoj और इसके प्रयोग ने आदि मानव की प्रकृति से अच्छी तरह निपटने यानी निपटने और धीरे धीरे जीवन को स्थायी ढंग से अपनाने में मदद की है आग की अब भी संसार के कई भागों में पूजा की जाती है यानी अग्नि देवता यानी हमारे हिंदू धर्म में आग को अग्नि देवता माना जाता है तो कई भागों में पूजा की जाती है आग वास्तव में एक मित्र है जैसा इसे हम जानते हैं यह खतरनाक शत्रु भी हो सकती है और यह नियंत्रण से बाहर हो जाए खतरनाक शत्रु कब हो सकती है जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है वैसे ये आपकी मित्र है ओके इज दैट क्लियर थैंक यू स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू इंजॉय माई क्लास सिमिलरली यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज ऑल द बेस्ट